देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना तो कार्यकर्ताओं की पूछ है ना नेताओं की पूछ है। ये अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। इनका इतिहास मैं जानता हूं, ये बीकानेर से आते हैं, किस्मदेसर गांव के हैं। जब हम लोग आंदोलन करते थे ये उस वक्त नौकरी में थे, जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए 60 साल से पहले आप एक भी स्टेटमेंट नहीं बता सकते। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी में लेडर चाहिए, सीडी, ताकि वो सीडी के माध्यम से लोग जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज नेता और कार्यकर्ताओं की तो वहां हत्या होगी राजनीतिक रूप से, और ये नेता बनकर के बैठ गए। इसलिए मैं बिल्कुल कैलाश मेघवाल जी के बयान का समर्थन करता हूं कि उन्होंने ठीक बयान दिया है। जो चूरू में रहते हुए ये कलेक्टर थे वहां, इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। कैलाश मेघवाल जी एक सीनियर वकील भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने बिल्कुल तायद किया है कि अशोक गहलोत जी के राज में हमें जिला मिला है, क्योंकि गहलोत साहब ने विकास के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा। जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां भी विकास हुआ है, जहां कांग्रेस के लोग थे वहां भी विकास हुआ है, जहां निर्दलीय विधायक थे वहां भी विकास हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। और अर्जुन राम जी तो जब कोरोना आए थे तो उस टाइम भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए थे कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। उससे ही जाहिर होता है कि वो व्यापारी था, इसको चंदा देने वाला था, उसके पापड़ नहीं बिक रहे थे। अन्यथा एक कलेक्टर रहा हुआ आदमी और पापड़ से कोरोना भगा रहा है, और शाम को अपनी मिसेज को लेकर कहता है को अपने दीप तो जलाना है और मोदी जी का कहना है और कोरोना भगाना है। कहने का मतलब है बिल्कुल अंधविश्वासी है, पुराने जमाने के आदमी है, खाली तंदूरे ढोलकी बजा के अपना टाइम पास करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे अर्जुन राम जी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर भी कहीं बाहर बैठ के तंदूरा बजाता तो मुझे बताओ कि आज भारत के अंदर समानता का अधिकार कहां से मिलता। जो शूद्र जंगलों में रहने को मजबूर था, अछूत का जीवन जीने को मजबूर था, आज उसको समानता का अधिकार मिला है। और अर्जुन राम जी इस सीट के ऊपर बैठे हैं, आरक्षण का लाभ लेकर के बैठे हैं, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, इस देश के संविधान की देन है। आज आप देख रहे हो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई आकाश छू रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है, अग्निवीर ला करके सेना का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अर्जुन राम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट पूरे भारतवर्ष में नहीं दिया है, और आज यहां आकर के मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। इसलिए होना था, लेकिन अभी तक भी अर्जुन राम जी आपने जैसे सावन के अंदर हरा घास होता है, हरा हरा चरा है, अभी आपने भाजपा का दूसरा रुख नहीं देखा है। आप आरएसएस के टूल बन के जिस ढंग से अपने नेताओं की कार सेवा कर रहे हो और काटने का काम कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ों बड़ों का इलाज भी किया है। लक्ष्मण बंगारू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्हीं के लोगों ने लाख रुपए की रिश्वत देकर उनको फिट कर दिया था। इसलिए अर्जुन राम जी के खिलाफ जो कैलाश मेघवाल जी ने बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है कि अशोक गहलोत जी का मुकाबला पूरे भारत में कोई सीएम नहीं कर सकता। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, जिले नए बनाए हैं, पंचायत समितियां नहीं बनाई है, पंचायतें नहीं बनाई है, और 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट ट्यूबवेल पर फ्री, 25 लाख का चिरंजीवी योजना ओपीएस देकर पूरे भारत को चौंका दिया। और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको भी उनको फॉलो करना चाहिए। करप्शन के चार्जेस में दम है क्या? जो करप्शन काय के चार्जेस है करप्शन में, मैं एक लाइन में कह देता हूँ, मैं एक लाइन में कह देता हूँ, अगर इनकी औकात होती तो ये असेंबली के अंदर एक भी मंत्री के खिलाफ अगर इन्होंने कोई करप्शन के चार्ज लगाए तो मुझे बताए। वो तो मैं कह ही रहा हूँ भी कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम पर लगाया है, वो बिल्कुल सही है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन मोदी के राज में तो चाहे कितना ही भ्रष्ट नेता हो, भाजपा में जाते ही वो साहूकार बन जाता है। इसलिए अर्जुन राम की भी वही पोजीशन है। अर्जुन राम कोई राजस्थान के लीडर नहीं है, ये एक थोपे हुए नेता है। रिजर्व कोटे में पूर्ति करने के लिए इनको यस मैन चाहिए, इनको अनुसूचित जाति में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो संविधान पे बोले, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो गांधीवाद पर बोले, ऐसा नहीं चाहिए जो प्रजातंत्र को मजबूत करता हो। अगर अर्जुन राम में छोटी मोटी भी समझ होती तो आज वो अशोक गहलोत की प्रशंसा करते, क्योंकि आज प्रमोशन में आरक्षण
मात्र राजस्थान के अंदर है, आदित्यनाथ ने नहीं दिया है। बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां संविधान को जलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए ये अर्जुन राम जी भी, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि आप विधानसभा में आ जाएं। आपके मीडिया में आ रहा है अपने बेटे को लड़ाओगे, बेटे को क्यों, आप तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, आप आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि अशोक गहलोत जी क्या है और आप क्या है।